नमस्कार। लगता है गौतम अडानी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अडानी की जो शेयर हैं वो लगातार गिर रहे हैं, आज 26% गिरे हैं। और जितनी कंपनियां हैं अडानी की, उन सब के शेयर गिरे हैं। सबसे ज़्यादा शेयर जो कंपनी की अडानी इंटरप्राइजेज हैं, उसके सबसे ज़्यादा गिरे हैं। और इसमें जो अडानी इंटरप्राइजेज की 26.50 और ये 32 सप्ताह में सबसे नीचे, यानी ये करीबन 26% टूटकर 1564.7% रुपये पर आ गए। और दिन के कारोबार में ये 28% तक की इसमें गिरावट आई है। और इसके अलावा जो अडानी पोर्ट्स हैं, उसका 6.13%, अडानी ट्रांसमिशन का 10%, अडानी ग्रीन एनर्जी का 10%, अडानी टोटल गैस का 10%, अडानी विल्मर का 5%, एनडीटीवी का 5%, अडानी पावर का 4.98%, और अंबुजा सीमेंट्स का 5.33%, और एसीसी का 0.05%। तो इस सब के शेयर गिरे हैं। इससे इन सब जो शेयर गिर रहे हैं और जो अडानी ने अपने एफपीओ वापस लिया है 20,000 करोड़ का, जो एकदम हाथों हाथ बिक गया था, तो उसमें फिर अडानी ने आज पब्लिकली आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों विड्रॉ किया। उनका कहना था कि जो मार्केट में वोटिलिटी है, उसके कारण उन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन जो कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे हिंडनबर्ग ने एक इंडिकेशन दिया था कि मैनिपुलेशन हो रहा है, तो हो सकता है कि उस मैनिपुलेशन पकड़े जाने के डर से विड्रॉ किए हों। या ये भी पता नहीं कि जो 20,000 शेयर खरीदे गए हैं 20,000 करोड़ के, उसमें अडानी के स्वयं की कंपनियों ने कितने खरीदे। तो ये सब चीज़ें जो जांच का विषय होगी अगर कभी होगा। तो आज अडानी की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। संसद में खूब हंगामा हुआ, लोगों ने जेपीसी के गठन की मांग की। पूरे अपोजिशन ने कहा कि जो जो संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी है, उससे जांच की जाए या सुप्रीम कोर्ट की जज से किया जाए। और उसके बाद फिर आरबीआई, सेबी और एनएससी ने, तीनों ने ये मैदान में उतरे हैं और इन्होंने अपनी अपनी जांच की बात कही कि हम इसकी जांच करेंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि इनके जो लोन है, वो लोन की जोखिम वो कितना है, इसके बारे में पता लगाओ। और ऐसे सेबी ने भी मार्केट शेयर के लेके जो उतार चढ़ाव चल रहा है, उसके बारे में रिपोर्ट मांगी है। और एनएससी ने जो तीन कंपनियां हैं अडानी की, अडानी इंटरप्राइजेस और दो और कंपनियां हैं, उनको जो वो एएसएम जो एडिशनल सर्वलांस मैकेनिज्म में इसको डाल दिया है। और इसके बाद अभी एक खबर आई है कि जो अमेरिकन बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है सिटी बैंक, तो सिटी ग्रुप ने भी जो अडानी के सिक्योरिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट ये लोन लेते थे। तो उन्होंने कहा कि अब इसको मार्जिन लोन देना बंद करो, क्योंकि अडानी के जो शेयर है, चूंकि चारों तरफ से शेयर गिर रहे हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है कंपनी को। आज तक इन्हें 6 दिन में लगातार, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, करीबन 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। तो इसलिए जो सिटी बैंक लोन देता है और वो अडानी के शेयर हैं उनको मोर्टगाज रखता है, यानी कोलेटरल लोन देता है, तो उन्होंने कहा कि आप इन सिक्योरिटियों को नहीं देंगे, यानी उनको फिलहाल, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अडानी से अपना जो बिजनेस कोलाबोरेशन है उसको तोड़ दिया है या हम बिजनेस नहीं करेंगे। करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक ये मार्केट में उतार चढ़ाव है और जो आरोप लगाए गए हैं उनको, तब तक जब तक उनके साबित नहीं होते तब तक उसका जो जो लेन देन है, ये जो लोन का लेन देन है, तब तक इसको छोड़ दिया जाए, यानी होल्ड पर रखा जाए। तो मुझे जो डाउट लग रहा है, जब इस सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और जो कॉरपोरेट वॉर है, कुछ कॉरपोरेट घराने भी इनके पीछे पड़ गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतने बड़े ग्रुप को ये डुबो दें, ऐसा ना हो कि इसको पकड़ के जेल में डाल दें या ऐसी कुछ। क्योंकि अपोजिशन तो शुरू से इनके खिलाफ है। राहुल गांधी तो सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि हम अडानी
मोदी जी अडानी को बेनिफिट दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, जैसे लोन देना 8 अरब रुपयों का लोन दिया है तमाम बैंकों के जरिए। इसमें LIC का ही 35,000 करोड़ का लोन है। तो इन लोनों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि जो अडानी डूबे तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये डूब जाए, तो बड़ा एक खतरा सा बन गया है और इससे माहौल बनेगा आने वाले दिनों में। इसका माहौल फिर गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि फिर लोग पूछेंगे, जैसे कि जब 2-3 उद्योगपति हिंदुस्तान छोड़कर भाग गए थे जिनको उन्होंने लोन देना था, तो ऐसा ना हो कि अडानी भी बाहर चले जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए कि बहुत अफरा तफरी का माहौल है, और इस अफरा तफरी के माहौल में अडानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कुछ तो नुकसान जो हिंडनबर्ग के कारण हुआ, और कुछ नुकसान जो देश का एक माहौल बना है उसके कारण हो रहा है। तो इस पर हम जो भी आगे डेवलपमेंट होगी वो आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।